Welcome to our channel. My name is Priyank. My name is Fenil. Guys, आज का ये जो व्लॉग होने वाला है हमें भी नहीं पता किस चीज़ के ऊपर होने वाला है, बट होने वाला है क्योंकि आज हम बहुत कुछ करने वाले हैं। आज है सैटरडे, मेरे ऑफिस की छुट्टी है ऑब्वियसली, और फैनल के ऑफिस की भी छुट्टी है। सो गाइस अभी हम फटाफट ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। मैं नहा लिया हूँ, सुबह के बज रहे हैं 8 बजने में भी 5 मिनट हैं। हमने जॉय को घुमा दिया, वॉक कर ली। फैनल ने आज काफ़ी सारा घर का काम निपटा दिया है अभी तक ही, क्योंकि हमें जाना है 2 जगह, उसके बाद कल हमें जाना है 3री जगह। तो आप बने रहिए इस ब्लॉग में, आपको सब मिलेगा फन और आपको मिलेगा बहुत सारा मज़ा। सो गाइस मैं अभी बनाने जा रहा हूँ आलू के पराठे। फैनल ने आलू उबाल दिए थे, सो आई एम गोना मैश, आई एम गोना डू एवरीथिंग, और उसके बाद फटाफट मैं आलू के पराठे बना देता हूँ। उसके बाद हम भैयू के लिए भी खाना बनाएंगे। हमारी भैयू के बीच में तबीयत खराब हो गई थी, फिर उसको हमने एडमिट कराया, और उसके बाद अभी हमारी भैयू ठीक है। सो गाइस बने रहिए इस ब्लॉग के अंदर और देखते रहिए क्या होता है आगे। I step up to the mic, gonna make it swing. Feel the rhythm in your bones, let the music sing. Got that poppin' beat, gonna make you move. Dancing on the floor in the swinging groove. Clap your hands now, let the trumpets sound. So फिर there is an update। अभी क्या है कि हमारे पास ब्रेड पड़ी है, तो मैं सोच रहा हूँ सैंडविच ही बना लेता हूँ। क्यों इतनी मेहनत करनी है आटा लगाना, रोटी बनाना। सो मैं ये सैंडविच मेकर के अंदर फटाफट डाल दूंगा और ये सैंडविच बनने के लिए मैं छोड़ दूंगा। इतने बनेगी हमारी सैंडविच। मैं जॉय के चावल उबाल दूंगा, फैनिल अपना ऑमलेट बना लेगा। मैं ऑमलेट नहीं खाता हूँ, सो मेरे को अपने आलूओं से काम चलाना पड़ेगा। सो मैंने इसके अंदर ये फिलिंग कर दी है ब्रेड के अंदर आलूओं की, और आलूओं की फिलिंग करने के बाद मैं सैंडविच मेकर के अंदर इनको रख देने वाला हूँ। फटाफट हम ये सैंडविच का काम कम्प्लीट करेंगे क्योंकि हमारे पास कम टाइम है। मैं आज रिफाइंड में ही बना देता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? फैनल अपने लिए ऑमलेट बना रहा है। जॉय के चावल मैं भी उबाल सकता हूँ, तुम अपना कर लो ना। बहुत ही हल्का घी या तेल लगाया करो। और गाइस हम ना सीरियसली पिछले 1-2 दिन से इतना बाहर का खा रहे हैं। हम कल ऑमलेट कोल्ड ड्रिंक भी, ओ माई गॉड, अब बस हो गया, अब बाहर का कुछ नहीं खाना। बन रहा है हमारा सैंडविच, उधर बना रहा है वो अपना कुछ। और अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं, बाय। नौकरी है मेरे को इधर लगानी होगी, मैं फटाफट लगा देता हूँ। ये कहाँ पे रखा? यहाँ पे। गाइस ये कभी यूज़ नहीं आते, बस ये रखे रहते हैं, पता नहीं कभी यूज़ आएंगे। अभी दीदी भी नहीं आई है, तो दीदी से आके अभी साफ़ सफाई करवानी है। ब्रेड का तुम्हें ब्रेड ऑमलेट खाओगे कि ऑमलेट खाओगे? फैनल चाकोस, तो ये ब्रेड रखी है, तुम इसी से ऑमलेट बना लेना। मैं ये चाय भी चढ़ा देता हूँ मैं, क्योंकि गाइस मेरा चाय के बगैर नहीं होता। ज्ञान दे ले कि चाय पीना हानिकारक है, बट मेरा नहीं होता चाय के बगैर। मेरे को तो एक बार तो दिन में सुबह चाय चाहिए ही, सुबह या शाम, कभी भी। शाम को तो वैसे मैं चाय नहीं पीता हूँ। हेलो मेरे को कब तुमने शाम को चाय पीते हुए देख लिया? जब मैं वापस आया, 2-2 बर्तन जले हुए होते हैं चाय की पत्तियों के साथ। झूठ बोले कौवा काटे। हमने थोड़ा सा सेट किया है, जैसा कि आपको पता है कि हम टर्माइट ट्रीटमेंट करवाया था। यहाँ मैं थोड़ा कुछ टैक्स का वीडियो बना रहा था। और गाइस ये धुले हुए कपड़े हैं जो कि अभी फैनल को तैग कर रहे हैं। और ये बाहर वाले प्लांट्स मैंने इधर लगा दिए हैं। और मैंने एक काम ये भी किया है, ये जो हमारे मनी प्लांट थे, इसकी जो भी ये आ रही है पत्तियाँ नई, ये मैंने इसके अंदर लगा दिया। तो रात को बहुत सुंदर लगता है जब ये क्या बोलते हैं होता है। और ये हमारी रिंग लाइट है, वो मेरे खाटू श्याम बाबा हैं। और ये मेरी जया है। बेटे क्या कर रही है मेरे पे बानू। यहाँ से पास है क्या? ठीक है, ये स्लाइड चेंज इन द प्लान जो कि हमेशा हमारे होते ही हैं प्लान में। लेकिन फिर आज हम कहीं और जाएंगे। सारी लिस्ट बनाई है सामान की, वो खरीदेंगे। नहीं खरीदना क्या लिस्ट? तो फिर चल लो थोड़ी देर। हाँ सैटरडे अराया चलो। खड़े होगे तो तुम्हें जगह भी मिल जाएगी, रास्ता भी पता चल जाएगा कहाँ जाना है। हमारे अजॉटे कुछ शॉपिंग करने के लिए, अगर कुछ समझ में आएगा तो वी गोना बाय। ये अलग अलग चल रहे हैं, थोड़े से नाराज हैं, बट इट्स ओके, मना लेंगे। 1-2 टी-शर्ट गिफ्ट करने के बहाने। ती अच्छा बनाया हुआ है यहाँ का, कुछ तो ऐसा कल्चर है कि यू स्कैन पे एंड गो, सो आई एम गोना बाय दिस गाय। चलो वैसे ही ले सकते हैं। कितने की है? बहुत बढ़िया डील मिल गई। मुझे लगा यहाँ पे खड़ा है। ये 700 रुपये की चप्पल हमें 200 रुपये में मिल गई क्योंकि 11 नंबर किसी का नहीं है तो 11 है वो, तो उन्होंने 70% ऑफ कर दिया। बढ़िया चप्पल है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। लेकिन अभी हम जा रहे हैं होम सेंटर क्योंकि वो मेरा फेवरेट सेक्शन है। बढ़िया बढ़िया डील मिल गया हमें। एक ये हमने प्लांट स्टैंड जो आता है उसे मटका रखने के लिए किचन में ले लिया, और ये मैंने एक खुरपी ली है जिससे गमले को खुरपेंगे, और एक वो चप्पल। तो हमें काफ़ी सस्ता मिल गया सब कुछ। और अभी हम और एक्सप्लोर कर रहे हैं और देखते हैं क्या बढ़िया मिलता है हमें यहाँ पे, और हम लेंगे वो वहाँ पे। पसंद ये फालतू की चीज़ें, हैरी पॉटर की अंगूठी। तो चीखते हम घर पे आ तो गए हैं। ये गमले के स्टैंड को हम मटके के स्टैंड की तरह यूज़ करने वाले हैं। So yes. Taking us high, feel the rhythm. Yeah, it's gonna make us fly. Can you hear the swing? के बज रहे हैं 4:15। हमें निकलना है गाइस। जॉय को हम फटाफट खाना देके डे केयर में छोड़ देंगे और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे। ये भी बोल रहा है अच्छी खरीदारी होगी, कभी नहीं बोलता मेरे को। गाइस सब कुछ हमने पैक वैक कर दिया है। अच्छा एक चीज़ बताओ, हम लोग सोच रहे थे कि हम हाउस टूर दें, हालांकि आपने हमारे व्लॉग्स में देख लिया है हमारा घर कैसा है, बट स्टिल क्या क्या चीज़ें हैं, किसने हमें कौन सी चीज़ गिफ्ट करी है, कौन सी चीज़ हमने खरीदी है, वो सब हम आपको बता सकते हैं। और गाइस देखो मैं कितना डीट हूँ, यहाँ पे पहले सारी तैयारियाँ कर रहा है और मैं सिर्फ व्लॉग बनाने में बैठा लगा हुआ हूँ। लेकिन आई एम ऑल्सो फुलफिलिंग सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जैसे कि ये फालतू बर्तनों को उठा के रख देना, जो भी कूड़ा है उसे डस्टबिन में डाल देना, और हाथ धो लेना, और सिलेंडर की पाइपलाइन, ये गैस पाइपलाइन को बंद कर देना। सो गाइज आई एम डन, एवरीथिंग इज डन एंड सॉर्टेड। आई एम लुकिंग हॉट। आई एम गोना शेयर माई क्या क्या कर दिया। अरे पानी की बोतल रख लूँ, मैंने पानी की बोतल निकाल के रखी थी। वो तो नीचे ही करा सकते हैं, एक बोतल बहुत है ना। गाइस 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 सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर थोप के चल दिए हैं जनाब। स्कूटी की चाबी, दोनों हेलमेट, बैटरी, लाइट्स। मैं एक काम करता हूँ, मैं इन्वर्टर भी बंद कर देता हूँ बिकॉज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे एक डेटा रिफ्रेश करना था जो कि मैंने नहीं किया, और मुझे एक रिटर्न भी फाइल करनी थी, वो भी मैंने अभी हाफ ही करी है ऑलमोस्ट, तो वो भी मुझे कंप्लीट करनी है गाइस। ओ गॉड, अच्छा हुआ मैं इस कमरे में आ गया, गेट खुला रह गया था। सो आई हैव टू क्लोज दिस। गाइस पता है वैसे तो मौसम में धूप नहीं है, लेकिन बहुत ही चिपचिपी और अजीब सी गर्मी है। मैंने सब कुछ बंद कर दिया है तो लाइट नहीं आएगी। कर रही है पूछू भैया, आ रहे हैं अंदर से, इसको हम यहाँ छोड़ेंगे और हम चले जाएंगे। चलो जॉय जाओ, बाय बाय। Can you feel the pop? Let's get the party started. Yeah, don't you stop. साफ सफाई करके हालत खराब हो गई। फैनल अभी भी कर रहा है भाई, बता नहीं सकते कितना बुरा हाल है। बट ठीक है, कोई नहीं, ऑलमोस्ट हो गया। शाम का वर्कआउट हो गया एक तरीके से। आप लोग बोलते हो वीकेंड पे रिलैक्स कर लिया करो, चिल कर लिया करो। क्या चिल कर ले, हमारे तो काम ही नहीं खत्म होके देते भाई। तो समझ ही नहीं आता ये ज़िंदगी क्या कहाँ लेके जाएगी, कितना काम कराएगी। पहली का है पूरा बाथरूम साफ कर रहा है, मैंने पूरी बालकनी साफ करी है। इतने दिनों से ये घर बंद था, पूरी बालकनी ऐसे हो रखी थी, मैं बता नहीं सकता। कबूतर की बीट और पूरे घर में इतनी धूल मिट्टी। अभी आप देख सकते हो ये वाली टेबल साफ नहीं हुई है, पूरी धूल से कवर्ड है। ये सामने सब गंदा पड़ा है, सब क्लीन करना है अभी। अभी ये सब ऐसे ढके हुए रखे हैं, सो अभी सब क्लीन करना है। किचन भी मैंने थोड़ी धोई थी, अभी थोड़ी बाकी है, देखते हैं। ऊपर ये सब ऐसे ही रख के चले गए थे, सो अभी वो सब भी क्लीन करना है। सो गाइस अभी लगता है मुझे 1 घंटा और लग जाएगा हमें अभी, बट कोई नहीं, एक वर्कआउट हो गया। ये बड़ा अच्छा फीलिंग आ रहा है, मतलब कि कुछ ना सही तो एक फिजिकल वर्कआउट हो गया गाइस। करता मजदूर आपको मैं दिखा देता हूँ लाइव। औजारों के साथ, पानी के साथ चल रही है गाड़ी धोने के लिए। आज पूरे मजदूर बन जाएंगे भाई, पूरे मजदूर। क्यों फैनी कहाँ चलो, लिफ्ट आ गई क्या? ओके रुको, जल्दी लाओ दूसरी बाल्टी। ओह माय गॉड गाइस, लिफ्ट में पहुँच गए हैं, बाल्टी रख दी है। कुछ औजार हैं, ये मेरे कान है। क्षेत्र में पहुँच चुके हैं, हमारा एक सैनिक लगा हुआ है काम करने में। मैं ये कपड़े का वेट कर रहा हूँ, कब ये करेगा तब मैं उसके बाद करूँगा बाकी का काम। गाइस अभी स्कूटी साफ करने की बारी है, लगे पड़े हैं भाई, लगे पड़े हैं। फैनी साहब क्या हुआ, टूट गया? बहुत हो गया काम, अब मैं जा रहा हूँ नहाने। नहा धो के फ्रेश होंगे, बैठने वाले हैं, अब करेंगे रिलैक्स। बज गए रात के 9:45 बज गए आई थिंक। सो अभी हमें कुछ खाना है और ऑब्वियसली हम लोग खाना बनाने की हालत में नहीं हैं। सो हम लोग कुछ बाहर जाएंगे, इसी बहाने हम गाड़ी भी चला के देख लेंगे, बहुत दिनों से चलाई नहीं है कि वो सही है या नहीं है। उसके बाद हम कुछ अच्छा सा खाएंगे। गाइस भूख लग रही है। ओके सो यही अपडेट था और कल सुबह हमें कहीं निकलना है। सो वो मैं अगले ब्लॉग में दिखाऊँगा। ऐसी खूबसूरत सी जगह हम लोग कुछ खाना लेने के लिए आए हैं। अभी पता नहीं क्या मिलने वाला है यहाँ पे, है तो बहुत कुछ खाने के लिए और हम ऐसे ही आ गए क्योंकि हमें लग रही थी भूख। हम खाना पैक करा के ले जाएंगे यहाँ से। किधर किधर? हाँ उधर बहुत सारे हैं। ये बिस्तरो 57 भी है। अभी भी पसीने पसीने हैं लेकिन भूख क्या कर रहे हैं, भूख के चक्कर में आना पड़ गया। बट दिस जगह इज सुंदर और आज का मौसम भी सुंदर, सो फ़र्क नहीं पड़ते। फैनल अपनी दुनिया में रहते। फैनल मेरे से आज बोल रहा था कि उसको बाइक खरीदनी है, बाइक आज नहीं, वो काफ़ी टाइम से बोल रहा है। तो मैंने उसको एक चैलेंज दिया है।